तो आपने अरुण के मर्डर के बाद सरेंडर करने का नहीं सोचा? आप कभी अच्छा काम करके जेल गए? किसी की जान लेना कैसे सही हो सकता है मिस्टर रघु? खैर, हमारे लिए सारे क्लाइंट एक जैसे होते हैं। हर कोई किसी ना किसी तकलीफ से गुजर रहा होता है। हम मेडिकल साइंस वाले उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते, फिर चाहे वो कोई क्लीन हो या गिल्टी। तो रघु जी, आपको अरुण के मर्डर करने के बाद में सुकून या शांति मिली? वो क्या है ना, हर इंसान के अंदर एक लालच होती है, और किसी भी एक चीज़ को पा लेने के बाद वो लालच खत्म नहीं होती, वो और बढ़ने लगती है। तो मेरे अंदर की लालच भी बढ़ने लगी थी, इसलिए मैंने आपके पास आना सही समझा। तो इन सब की शुरुआत कैसे हुई? आई मीन, ये मर्डर, ये लालच, ये सब आपने शुरू कैसे किया? इन सब की शुरुआत अरुण के हादसे से ठीक एक महीने पहले हुई थी। उस समय मैं देवांगन साहब के यहाँ मुंशी हुआ करता था। राकेश देवांगन ठेकेदार था हमारा। उस समय देवांगन साहब को नगर पालिका से टेंडर मिला था, जिसमें हमें किसी वर्कशॉप को तोड़कर कार पार्किंग बनाना था। देवांगन साहब ने मुझे लेबर्स को काम समझाने और सुपरवाइज करने का काम दिया था। सारा काम हिसाब से चल रहा था और मैं भी अपना काम बहुत अच्छी तरह से कर रहा था। मैं लेबर लोगों को उनका काम समझाता और वो उसे वैसा ही करते जैसा देवांगन साहब ने मुझे उनसे करवाने को कहा था। हमारा काम लगभग खत्म होने के कगार पे था। इस बीच मुझे लेबर लोगों से कभी कोई परेशानी नहीं हुई और देवांगन साहब भी मुझसे बहुत खुश थे। फिर एक रोज जब मैं लेबर लोगों की हाजिरी लगा रहा था, तब पहली बार मेरी मुलाकात उससे हुई। भावना, भावना, सारा खेल ही वहीं से शुरू हुआ था। सारा अब मैं जब जब कंस्ट्रक्शन साइट पे जाता, मुझे सिर्फ एक ही चीज नजर आती थी, भावना। मैं रोज लेबर्स को उनका काम समझाता और जब भी मैं भावना को काम करते हुए देखता, मुझे कुछ अच्छा सा नहीं लगता था। मैं भावना को जितना ज़्यादा हो सके उतना फ्री रखने की कोशिश करता था, ताकि वो मेरे साथ और मैं उसके साथ वक्त गुजार सके।
उस रोज जब मैं साइट पे गया तब मैंने देखा कि भावना और विकास दोनों पहले से ही मेरा इंतजार कर रहे थे। तेरी हिम्मत कैसे हुई बे मेरी बहन पे बुरी नजर डालने की? मुंशी है तो क्या कुछ भी करेगा? मुंशी होगा तू अपने घर में, यहाँ अगर हमारी माँ बहन पे अगर बुरी नजर डालता है तो तेरा वो हश्र करूंगा। दोबारा ऐसा करने के लिए 100 बार सोचेगा। हिम्मत की बात अपने बराबरी वालों से की जाती है, अपनों से बड़ों के सामने झुका जाता है। इतना भी समझ नहीं आता तुझे? तेरे जैसे दरिंदे के साथ रहने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। एक ही भाई था मेरे इस दुनिया में जो मुझे सबसे ज्यादा प्यार करता था, अपनी जान से ज्यादा प्यार करता था, और तूने उसको भी छीन लिया मुझसे। इस जन्म में तो क्या, अगले किसी भी जन्म में मैं तेरे साथ तो नहीं रहूंगी। मुझे घिन आती है कि मैंने तुझे। साला प्यार किया था तुमसे, प्यार किए थे हम। हम तो तुम पे घरों जाने भी नहीं देना चाहते थे, पर देखो देखो ये क्या करवा दिया तुमने मुझसे।